सेंट्रल जिला दिल्ली पुलिस की एएटीएस की टीम ने एक ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक रिसीवर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दोपहिया वाहनों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 8 दोपहिया वाहन भी बरामद किया है। आरोपी की पहचान राजीव अलियाज मोटा और चांद मियाँ के रूप में हुई है। सेंट्रल जिला की पुलिस उपायुक्त श्वेता चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले की एटीएस टीम को शातिर वाहन चोरों की धरपकड़ में लगी हुई थी। इस दौरान टीम को शातिर ऑटो लिफ्टर गिरोह के बारे में जानकारी हासिल हुई। टीम ने सूचना के आधार पर जाल बिछाकर कमला मार्केट स्थित गिरधारी लाल हॉस्पिटल के पास से आरोपी राजीव अलियाज मोटा को गिरफ्तार कर लिया, जो वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने रिसीवर चांद मियाँ को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त श्वेता चौहान ने बताया कि आरोपी राजीव ऑर्डर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। फिलहाल आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस अब इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एएटीएस की सेंट्रल जिले की टीम ने एक नोटोरियस ऑटो लिफ्टर को पकड़ा है, जो कि टू व्हीलर उठाया करता था, यानी कि ये मोटरसाइकिल और स्कूटर्स की चोरी किया करता था। ये काम अपने एक साथी के साथ मिलकर ये करता था, जो कि इन्हें गाड़ियों को आगे रिसीव करता था और उनको काट के उनको अलग अलग हिस्सों में डिसमेंटल करके ये लोग या तो बेच दिया करते थे या आगे सप्लाई करते थे। तो इसमें हमारी जब टीम को पता चला कि ये हमारे इलाके में भी एक्टिव है, तो हमने इसके लिए ट्रैप लगाया और उसके बाद रात को एएटीएस की टीम ने उस ट्रैप में राजीव अलियास मोटा को पकड़ा है, जो कि नांगलोई दिल्ली का रहने वाला है। उसके साथ ही उसका जो रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी है चांद मियां, उसको पकड़ा गया है। ये बहादुरगढ़ हरियाणा का रहने वाला है। काफी इसका जो अपना गोदाम है वो टिकरी कला में है, जहां वो गाड़ी को अलग अलग हिस्सों में करके उसको आगे बेचता था। इस पूरे ऑपरेशन में हमने राजीव से 5 गाड़ियां बरामद की हैं और चांद मियां के इंकशाफ से हमने 3 गाड़ियां बरामद की हैं। राजीव से पूछताछ में हमें मालूम चला कि ये जैसे ऑर्डर पे गाड़ियां चुराता था, तो जिन भी गाड़ियों की इसको तलाश रहती थी ये एक मास्टर की अपने पास रखता था और ये देखकर जहां पे आसपास में पुलिस नहीं होगी या जहां खुला इलाके हैं वहां से ये गाड़ियों को मोटरसाइकिल या स्कूटी जो भी इनको चाहिए वो मास्टर की लगा के स्टार्ट करके खुद ड्राइव करके लेके जाता।